हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप लोग। लास्ट जो वीडियो था मेरा SFM पे, वो था सिक्योरिटी एनालिसिस का क्वेश्चन नंबर 49। बहुत सारी डिमांड आ रही थी कि सर वो क्वेश्चन डालिए। बॉन्ड रिफंडिंग का था एक्चुअली। अब जैसे तैसे वो क्वेश्चन हुआ, पर उससे भी ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। और उसके लिए भी बच्चों के कमेंट्स आए कि सर हमको क्वेश्चन नंबर 50 भी एक बार करवा दीजिए। सिक्योरिटी एनालिसिस SFM 2017 का प्रैक्टिस मैनुअल। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर 50 करवाने के लिए तैयार हूँ। शर्त यह है कि क्वेश्चन तो मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मतलब क्वेश्चन के चार्ट के थ्रू मैं आपको समझा दूंगा, पर मेरे ख्याल से प्रैक्टिस मैनुअल आपके हाथ में होनी चाहिए जब आप ये लेक्चर देख रहे हो। दूसरी बात, क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है, बीच बीच में हो सकता है आपको कहीं डाउट्स हो। वैसे मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि सब कुछ क्लियर कर दूँ, पर डाउट्स हो तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हो, कमेंट्स में लिख सकते हो। अगर कोई टॉपिक समझना है तो भी आप कमेंट्स में लिखिए, मैं आपको टॉपिक समझाऊंगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग। हम कर रहे हैं बॉन्ड रिफंडिंग सिक्योरिटी एनालिसिस, और इसका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 सिक्योरिटी एनालिसिस। और ज़्यादा अच्छा है प्रैक्टिस मैनुअल आपके पास होनी चाहिए। अब मैं क्वेश्चन रीड करते जाता हूँ, और क्वेश्चन रीड करते करते आपको यहाँ क्वेश्चन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि डायग्राम में, ताकि हमें समझने में आसानी हो। क्वेश्चन नंबर 50 में लिखा है, मैसर्स ट्रांस इंडिया लिमिटेड इज कॉन्टेम्पलेटिंग कॉलिंग 3 करोड़ ऑफ 30 ईयर्स ₹1,000 बॉन्ड इश्यूड 5 ईयर्स अगो विथ अ कूपन इंटरेस्ट रेट ऑफ 14%। चलो इसको मैं समझाता हूँ। कोई कंपनी है, सर कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है मैसर्स ट्रांस इंडिया लिमिटेड, मैसेज ट्रांस इंडिया लिमिटेड। और मैसेज ट्रांस इंडिया लिमिटेड के साथ इन्होंने क्या किया है बेटे, इन्होंने ना बॉन्ड इश्यू कर रखा है बॉन्ड होल्डर्स को, पहले बहुत पहले। सर कितने साल के लिए? जो बॉन्ड इश्यू किया है वो किया है 300 लैक्स का, कितने परसेंट कूपन रेट पर? 14%। और इसका एक्चुअल टोटल पीरियड कितना था? टोटल पीरियड, तो टोटल पीरियड था 30 इयर्स। और ये जो बॉन्ड इश्यू किए थे, ये किए थे 5 इयर्स अगो, मतलब अभी भी रिमेनिंग पीरियड कितना बचा हुआ है? रिमेनिंग पीरियड बचा हुआ है 25 इयर्स। ये अभी तक की इंफॉर्मेशन है, ये हमारे बॉन्ड्स है। ठीक है, हमने 30 साल पहले इश्यू किया था। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है, द बॉन्ड हैव अ कॉल प्राइस। अच्छा, ये जो बॉन्ड है ये ₹1,000 का एक है, ₹1,000 फेस वैल्यू बेटे। तो अगर नंबर ऑफ बॉन्ड्स की बात करूं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स तो 300 लाख डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू है 1,000, तो 30,000 बॉन्ड आएगा, 30,000 बॉन्ड्स, इतने बॉन्ड्स इश्यू किया था। अब हुआ क्या होगा? हुआ ये होगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट धीरे धीरे, जब हमने 5 साल पहले इश्यू किया था ना, तो हमने कहा चलो भाई ठीक है आपको 14% दे देंगे। पर होता है कि अब मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने लगता है, तो फिर हमको ऐसा लगता है यार हमने इनसे कमिटमेंट कर दिया 14% का, तो अब क्या करें, समझ में नहीं आ रहा। जबकि मार्केट में तो हमको कम दामों में, कम रेट में आपको पैसा मिल सकता है, बॉन्ड इश्यू कर सकते हैं, तो हम इनको पैसे लौटाने की बात करेंगे। पर बात वही थी, ये मानेंगे क्यों, तो इनको हम लालच देने की कोशिश करेंगे, और किस तरह से लालच दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा, द बॉन्ड हैव अ कॉल प्राइस ऑफ ₹1,140। इट मीन्स इन बॉन्ड होल्डर्स का फेस वैल्यू तो कितना है 1,000, पर हम इनको कहेंगे कि हम आपको रिफंड करने को तैयार है, रिफंड एक एक बॉन्ड पर हम ₹1,140 देने को तैयार है। जबकि फेस वैल्यू कितना है 1,000, पर पैसा कितना देने को तैयार है 1,140, मतलब एक्स्ट्रा पेमेंट आप देने को तैयार हो।
हर एक बॉन्ड पर 140 इंटू 30,000, तो आप करीब करीब 42 लाख एक्स्ट्रा पैसा देने को तैयार हो, जिसको आप बोलते प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन प्रीमियम। ये प्रीमियम आप एक्स्ट्रा पैसा देने को तैयार हो। ठीक है, यहां तक बात समझ में आती। आगे लिखा हुआ है, इसके बाद द बॉन्ड्स हैव अ कॉल प्राइस ऑफ 1 एंड हैड इनिशियली कलेक्टेड प्रोसीड्स ऑफ 2.9 करोड़ ड्यू टू डिस्काउंट ऑफ 30 पर बॉन्ड। अभी क्या लिखा हुआ, अभी ये लिखा हुआ है कि जब हमने ये बॉन्ड इश्यू किया था, तो जब हमने ये बॉन्ड इश्यू किया था तो एक्चुअल में ना हमने 291 लाख ही रिसीव किया था। सर क्यों, जब हमने 5 साल पहले, ऐसा क्यों? उसने वजह बताया है कि ये 30,000 बॉन्ड्स को हमने 70 रुपये डिस्काउंट पर इश्यू किया था, इसका सॉरी 30 रुपये डिस्काउंट पर इश्यू किया था, 970 रुपये में इश्यू किया था। ओके, तो सर मतलब क्या हुआ, मतलब है कि हमने डिस्काउंट पर इश्यू किया था और कितने बॉन्ड्स थे, 30,000, और कितना रुपए डिस्काउंट, 30 रुपये, तो डिस्काउंट का अमाउंट कितना हो गया, 9 लाख रुपए डिस्काउंट पर इश्यू किया था पुराने बॉन्ड 5 साल पहले। पता नहीं क्यों दिया है, बाद में समझेंगे। अब बुक में और भी लिखा हुआ है, और ये लिखा है द इनिशियल फ्लोटिंग कॉस्ट। फ्लोटिंग कॉस्ट मतलब जब बॉन्ड इश्यू करते तो उसका खर्चा भी तो होता है यार, स्टैम्प ड्यूटी कमीशन वगैरह। तो फ्लोटिंग कॉस्ट इनिशियल मतलब ओल्ड बॉन्ड्स पे 360,000 का फ्लोटिंग कॉस्ट भी था, मतलब जब हमने बॉन्ड इश्यू किया था तो इसके इश्यू एक्सपेंसेस फ्लोटिंग कॉस्ट, और कितने रुपए का फ्लोटिंग कॉस्ट था, 360,000 का। ये ओल्ड बॉन्ड से रिलेटेड बात हो गई। अब अगर हम क्वेश्चन आगे पढ़ें तो क्वेश्चन ये लिखा है द कंपनी इंटेंड टू सेल 3 करोड़ ऑफ 12% कूपन रेट 25 years बॉन्ड टू रेज फंड फॉर रिटायरिंग द ओल्ड बॉन्ड्स। इट प्रपोजेस टू सेल द न्यू बॉन्ड्स एट देयर पार वैल्यू ऑफ 1,000 रुपीज। अब वो ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि ये जो पेमेंट जाएगा तो इस पेमेंट का ये लोग तैयार भी हो जाएंगे, क्योंकि हम एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं, तो इन पैसों का अरेंजमेंट कहाँ से करोगे? तो उन्होंने लिखा है कि इसके लिए हम न्यू बॉन्ड्स इश्यू करेंगे, न्यू बॉन्ड्स। सर कितने रुपए के इश्यू करोगे? उन्होंने कहा है कि हम 300 लाख के इश्यू करेंगे, पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% होगा, या 14% है या 12%। वाओ, तो यार ये कितने साल के लिए इश्यू करेंगे, तो कितना साल बचा हुआ, 25 साल, तो ये 25 years के लिए इश्यू किए जाएंगे। ये अच्छा तरीका है। और ये भी बताया है कि इन बॉन्ड को इश्यू करने से इश्यू एक्सपेंसेस तो हो गए ही हो गए, और वो कितने रुपए के हो गए, 4 लाख। तो मुद्दे की बात ये है कि अच्छा है, यहाँ रेट ज़्यादा देना पड़ता, यहाँ रेट कम, तो एक काम करो, सोचो बेटे जुगाड़ हो रहा है, इनको 14% इंटरेस्ट देना है तो इनको यार इनको ख़त्म करो। इनको ख़त्म कहाँ से करें, बोले नया वाला बॉन्ड ले आइए और नया वाला बॉन्ड इश्यू कर दीजिए, और नया वाला बॉन्ड इश्यू करोगे 12%, मतलब किसी से पैसे उठा रहे हो 12% के हिसाब से, और जो 14% वाला टेंशन है ना वो टेंशन ख़त्म कर रहा, हमारा ऐसा इंटरेस्ट बचेगा। और कम से कम कितने साल तक इंटरेस्ट बचने वाला है, 25 साल तक। लेकिन समस्या क्या है, समस्या है एक तो ये एक्स्ट्रा पेमेंट जा रहा है और इन बॉन्ड को इश्यू करने का खर्चा है। अब और देख लेते हैं, शायद कुछ और बातें लिखी है इस क्वेश्चन में। एस्टिमेटेड फ्लोटेशन कॉस्ट 4 लाख रुपए, ये जी लिख चुका हूं मैं, इश्यू एक्सपेंसेस 4 लाख। द कंपनी इज पेइंग 40% एक्स्ट्रा टैक्स रेट है 40%, एंड इट्स आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट 8%। वही कॉस्ट ऑफ कैपिटल पिछले क्वेश्चन में मिसिंग था, तो हमने निकाल लिया था, इस बार निकाल कर दे दिया। हाँ, एक बात है जो परेशान करने वाली, एज द न्यू बॉन्ड मस्ट फर्स्ट बी सोल्ड। जैसे ही आप न्यू बॉन्ड सोल्ड करोगे और यहां से जो पैसा आएगा, ओके, और इसकी प्रोसीड्स को देन यूज्ड टू रिटायर ओल्ड बॉन्ड, और ओल्ड बॉन्ड्स को रिटायर, इधर से पैसा आएगा और इनको चुका दोगे। द कंपनी एक्सपेक्ट अ 2 month पीरियड ऑफ ओवरलैपिंग।
interest during which interest must be paid on both the old and new bonds. This technical चीज समझना ध्यान से. इन्होंने ये समझाने की कोशिश किया है कि जैसे ही आप न्यू बॉन्ड इश्यू करोगे, कर लिया कितने साल के लिए 25, तो बोले आया और दे दिया, ऐसा नहीं होगा. जब आपने न्यू बॉन्ड इश्यू कर किया तो आपने इधर तो इंटरेस्ट आपका देना चालू हो ही जाएगा, पर कम से कम ओल्ड बॉन्ड्स को पेमेंट रीपेमेंट करने के लिए 2 माह लग जाएगा, 2 माह. तो न्यू बॉन्ड पे तो इंटरेस्ट जाएगा, पर इसकी वजह से आपको ओल्ड बॉन्ड्स पे 2 माह का इंटरेस्ट एक्स्ट्रा देना पड़ेगा. दिस इज ओवरलैपिंग, 2 मंथ का इंटरेस्ट देना पड़ेगा. ठीक है, इसको भी देख लेंगे कि क्या करना है. तो ये सारी सिचुएशन है आपके पास. सिचुएशन सिर्फ इतनी सी है, अगर देखा जाए तो 300 आएगा 300 जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. 25 साल तक 2% का इंटरेस्ट बचेगा, ओके. हाँ, लेकिन आज हमारा एक्स्ट्रा खर्चा दिख रहा है ये 42 लाख और ये इश्यू एक्सपेंसेस. हमें क्या डिसाइड करना है बेटे? हमें ये डिसाइड करना है कि क्या करें, बॉन्ड रिफंड करने से फ़ायदा है कि नहीं है. फ़ायदा तो ये है कि 2% बचेगा, पर भाई खर्चे भी तो है, खर्चे ये भी है ये भी है. तो वही हम एनालिसिस करेंगे, कैपिटल इन्वेस्टिंग टाइप का कुछ है. तो चलो देखते हैं, फाइनली इसको कंप्लीट करते क्वेश्चन को. ऐसे यहां बना लेते. तो पहले बात करते हम लोग कॉस्ट. आज इनिशियल कैश आउटफ्लो बोल सकते हो, या इनिशियल कॉस्ट भी बोल सकते हो. ठीक, देखते क्या क्या होने वाला है. सर हम रिफंड करेंगे, रिफंड ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स, बिल्कुल पैसा वापस करोगे. कितना वापस करोगे? 300 लाख. ये प्लस एक्स्ट्रा प्रीमियम 42 लाख. ये तो ये गया आपका 342 लाख प्लस इश्यू एक्सपेंसेस प्लस इश्यू एक्सपेंसेस ऑफ न्यू बॉन्ड्स. तो इश्यू एक्सपेंसेस कितना बेटे? 4 लाख. ठीक है जी, कोई दिक्कत की बात नहीं है. प्लस पैसा आएगा, और कहां से पैसा आएगा? इश्यू ऑफ न्यू बॉन्ड्स. सर कितना पैसा आएगा? 300 लाख. ये पैसा आएगा 300 लाख. तो बेटे नेट मेरा कैश आउटफ्लो कितना दिख रहा है यहाँ? 46 लाख. ठीक है, 46 लाख का कैश आउटफ्लो दिख रहा है. अब और भी बात को सोचना, टैक्स सेविंग स्पेशल है, टैक्स सेविंग को ध्यान दोगे. सर जब आप ये ओल्ड बॉन्ड्स को रिफंड कर रहे हो, पैसे वापस कर रहे हो, हाँ जी, तो 42 लाख वापस कर रहे हो एक्स्ट्रा, बिल्कुल. और ये बॉन्ड्स तो फ्यूचर में रहेगा नहीं, तो क्यों ना इसी को अभी पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दे. और पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफ़र करोगे एक्सपेंसेस की तरह, तो इस पर टैक्स सेविंग तो होगा, बिल्कुल सही. ठीक है, प्लस आपको मैंने कहा कि ये ओल्ड बॉन्ड्स पे आपको 2 माह का इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा, तो पहले वो भी तो कंसिडर कर लेते. यस, प्लस इंटरेस्ट ऑन ओवरलैपिंग, या ओवरलैपिंग पीरियड या ओवरलैपिंग इंटरेस्ट, 300 लाख का ओल्ड बॉन्ड पे 14% इंटरेस्ट इंटू 2/12. तो एक बार देख लेते कितना हो रहा है. 300 लाख का 14% इंटू 2/12, तो 7 लाख रुपए ये इंटरेस्ट का खर्चा जा रहा है, 7 लाख रुपए. ठीक है, अब टैक्स सेविंग देखते हैं. माइनस फायदा है हमारा, ये जो 7 लाख इंटरेस्ट है मैं पीएनएल अकाउंट में एक्सपेंसेस में लिखूंगा, उससे मेरा टैक्स सेविंग होगा. तो सबसे पहले इसी की बात कर लेते हैं, टैक्स सेविंग्स ऑन इंटरेस्ट. और ये कितना आएगा? 7 लाख का
टैक्स का रेट है बेटे 40%, तो 2,80,000 आ गए। ये तो सीधा सीधा आ गया 2,80,000, दिस इज टैक्स सेविंग। अच्छा, इस पे भी टैक्स सेविंग होगा, मैंने कहा था। यस, टैक्स सेविंग्स ऑन प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, इस पे टैक्स सेविंग कितना होगा? 42 लाख का 40%, 40 मतलब जो भी एक्स्ट्रा पैसे जा रहा भाई उसका तो टैक्स सेविंग होना। 42 लाख का 40%, तो ये टैक्स सेविंग है 16,80,000। तो इस पे टैक्स सेविंग कंसीडर कर लिया, ओवरलैपिंग इंटरेस्ट पे भी टैक्स सेविंग कंसीडर कर लिया। सर, इन 4,00,000 पे भी तो टैक्स सेविंग कंसीडर कीजिए। नहीं भाई, नहीं, क्योंकि ये तो न्यू बॉन्ड्स पे है और न्यू बॉन्ड्स तो 25 साल तक चलेंगे ना, तो इस पे हर साल राइट ऑफ करोगे आप 25 साल में, धीरे धीरे हर साल राइट ऑफ। ओके सर, सर ये क्या चीज़ थी? हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। जब हमने ओल्ड बॉन्ड इश्यू किया था तब टोटल खर्चा कितना हुआ था? 9,00,000 डिस्काउंट और 3,60,000 ये। तो अगर टोटल खर्चे देखे जाए तो ये हुए हैं 12,60,000 का खर्चा है टोटल। सर, तो ये 12,60,000 का खर्चा हुआ था आज से 5 साल पहले। ओके, और जब हुआ रहा होगा तो हमने सोचा होगा इसको 30 साल में राइट ऑफ करना है। ओके, 5 साल तक तो राइट ऑफ हो चुके होंगे, तो अभी भी कितना बाकी है? 25 साल। तो इसमें से खर्चा भी कितना राइट ऑफ होना बाकी है अगर देखा जाए तो? बेटे यहां समझना, टोटल खर्चा है 12,60,000, कितने साल में राइट ऑफ करना था? 30 साल। पर अभी भी कितना इयर्स बचा हुआ है? 25 साल, तो अभी भी बचे हुए, तो कुछ खर्चे राइट ऑफ करने के बाकी रहेगा ओल्ड बॉन्ड्स पे। तो 12,60,000 डिवाइडेड बाय 30 × 25, तो अभी भी 10,50,000 के एक्सपेंसेस पीएनएल अकाउंट में करना बाकी है। ये किसके है बेटे? ये किससे रिलेटेड है? ओल्ड बॉन्ड्स। तो सर, इसको धीरे धीरे करके राइट ऑफ करेंगे? नहीं, जब इनका रिडेम्पशन ही अभी कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड जितने भी खर्चे अभी के अभी राइट ऑफ करो, और राइट ऑफ करने से इस पे क्या होगा? टैक्स सेविंग माइनस टैक्स सेविंग्स ऑन अनएमोर्टाइज एक्सपेंसेस जो अभी तक एमोर्टाइज नहीं किया। तो 10,50,000 पे कितने परसेंट का टैक्स सेविंग हो जाएगा? 40% का। तो 10,50,000 का 40%, तो ये टैक्स सेविंग हो गया बेटे 4,20,000 का टैक्स है। ये मेरा आज का कैश फ्लो हो गया। तो देख लेते, एक तो है 46 लाख प्लस 7 लाख माइनस 2,80,000 माइनस 16,80,000 माइनस 4,20,000, तो ये आ गया आपका कैश आउटफ्लो 29,20,000 आज। तो भाई ऐसा है कि अगर हम बॉन्ड को रिफंड कर देते हैं तो हमें इतना कॉस्ट पड़ रहा है। अब बात किसकी करते? अब बात करते हैं गेन। गेन, फायदा, इंक्रीमेंटल गेन बोल सकते हैं। तो हम ऐसा लिखते, ओल्ड बॉन्ड्स और इधर क्या लिख देते हैं? न्यू बॉन्ड्स। सर, अगर हम ओल्ड बॉन्ड्स से ही काम चलाते तो हमें इंटरेस्ट कितना देना पड़ता? हमें देना पड़ता 300,00,000 का, 300,00,000 का 14%, ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता। तो 300,00,000 का 14%, तो इंटरेस्ट पड़ जाता हमको 42 लाख।
लेकिन अब इंटरेस्ट देना पड़ेगा 300 लाख का 12%, 300 लाख का 12%, तो अब इंटरेस्ट आएगा 36 लाख का इंटरेस्ट। वाओ, पैसा बचेगा हमारा हर साल, हर साल की मैं बात करूं, पर इस पे इंटरेस्ट को मैं एक्सपेंसेस में लिखता तो कोई शक ही नहीं है कि इस पे क्या होता, टैक्स सेविंग्स। सर कितना होता, 42 लाख का 40%, तो इस पे टैक्स सेविंग होता 16,80,000 और इस पे टैक्स सेविंग 36 लाख का 40%, इस पे टैक्स सेविंग होता 14,40,000। ठीक सर, और कुछ? हाँ, एक चीज और बच्ची, अगर मैं ओल्ड बॉन्ड ही चलाता तो फिर मैं इन एक्सपेंसेस को, एक्सपेंसेस कौन से दिख रहे हैं, ये 10,50,000 को राइट ऑफ नहीं कर पाता, उसको मैं हर साल राइट ऑफ करता तो उस पर भी तो टैक्स सेविंग होता, माइनस टैक्स सेविंग्स। समझ रहा हूँ यहाँ से, 10,50,000 को मैं फिर 25 साल में राइट ऑफ करता और उस पर टैक्स सेविंग कितना होता, 40%। 10,50,000 को हम करते आने वाले 25 साल में राइट ऑफ, तो हर साल राइट ऑफ होता 42,000, उसका टैक्स सेविंग होता 40%, तो बेटे फिर हमारा पैसा बच जाता 16,800। इसी तरह से ये 4 लाख जो नए बॉन्ड इश्यू किया है, इसको भी 4 लाख को मैं 25 साल में राइट ऑफ करता और टैक्स सेविंग होता 40%। 4 लाख डिवाइडेड बाय 25 इंटू 40%, तो ये टैक्स सेविंग होता 6,400। ठीक, अब इसको मैं कहीं और लिखता हूँ और हम इसको आप यहाँ लिख सकते हैं, अब हमें क्वेश्चन की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारा काम हो चुका है। तो अगर मैं ओल्ड बॉन्ड ही यूज करता, ओल्ड ओल्ड, और यहाँ क्या आ जाता, न्यू, तो मेरा एनुअल कॉस्ट कितना पड़ता, एनुअल देख लेते हैं, 42 लाख माइनस 16,80,000 माइनस 16,800, तो एनुअल कॉस्ट पड़ता 2,503,200। अगर न्यू बॉन्ड इश्यू करता तो 36 लाख इंटरेस्ट माइनस 14,40,000 टैक्स सेविंग माइनस 6,400 टैक्स सेविंग, तो यहाँ कॉस्ट पड़ता 21,53,600। तो बेटे फिर तो सेविंग हो जाता मेरा एनुअल सेविंग्स। सर सेविंग्स कैसे, न्यू से इतना खर्चा, ओल्ड से इतना खर्चा, मतलब मेरा पैसा बच जाता न्यू बॉन्ड इश्यू करने से, कितना बचता, माइनस 2,503,200, तो मेरा पैसा बचता 349,600। पर ये हर साल बचता, एनुअल, एनुअल लिखा है, और ऐसा पैसा मेरा कितने साल तक बचता, 25 साल तक, तो उसका प्रेजेंट वैल्यू ले लेते हैं, पी वी ए एफ 25 ईयर्स, और चेक करोगे डिस्काउंटिंग रेट दिया हुआ है 8%, तो चलो देख लेते कितना आ रहा है प्रेजेंट वैल्यू हमारा, तो 1 / 1.08, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, जी ठीक, तो ये आ गया 10.675। तो अब लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ गेन, फ्यूचर में जितना भी सेविंग्स होने वाला है उसका प्रेजेंट वैल्यू, तो 349,600 × 10.675, तो बेटे ये आ गया 3731980। अगर मैं बॉन्ड को रिफंड कर देता हूँ तो फ्यूचर में मेरा फायदा होने वाला है, और उसको फायदे को सबको मिलाकर प्रेजेंट वैल्यू इतना है।
जबकि बॉन्ड रिफंड करने से कॉस्ट कितना है, ये माइनस कॉस्ट, तो भी तो मेरा फायदा है, तो भी तो मेरा पैसा बच जाएगा। और कितने का फायदा है, माइनस 29,20,000, तो भी मेरा फायदा है 811,980। क्या मुझे बॉन्ड रिफंड कर देना चाहिए? यस। क्वेश्चन टेक्निकल है पर हो जाएगा, एक दो बार प्रैक्टिस, और डाउट हो तो मुझसे पूछोगे। अगर कोई और टॉपिक में प्रॉब्लम है तो बिल्कुल आप कमेंट्स कीजिए, मैं आपको पक्का रिकॉर्ड करके दूंगा। थैंक यू बच्चों।